जब भाजपा का विधायक ही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया है तो दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कराते। भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे, जिला पुलिस प्रशासन को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जितने भी ये अधिकारी हैं, जितने भी चुनाव में लगे, उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। कहिए तो जमानत जब्त हो जाए। एक बार तो हारी चुके अयोध्या पार्लियामेंट में, दोबारा फिर हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी हार रही है चुनाव। ऐसे नामांकन हो गया सभापति जी का और चुनाव शुरू हो गया है। आज कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो गया है और सभापति जी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तो नहीं देखिए, उनको जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, जिला पुलिस प्रशासन को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये तो देखिए निष्पक्ष रहना चाहिए, ये आयोग की गाइडलाइन है, निष्पक्ष रहना चाहिए। संविधान में भी है, जितने भी ये अधिकारी हैं, जितने भी चुनाव में लगे, उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। तो अगर अपनी गलती करेंगे तो दंड मिलेगा, तो उनको दंड मिलेगा। देखिए, अब कोई छिपा है? जब भाजपा का विधायक ही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया है तो साबित हो गया है कि दंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कराते। कटहरी में सभापति जीतेंगे, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे, कहिए तो जमानत जब्त हो जाए। अच्छा, मिल्कीपुर चुनाव हो जाए, अब ये तो कैंसिल हुआ है तो फिर होगा। और ये चुनाव इसलिए हुआ है कैंसिल, आप समझ ही रहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ भी कई बार आए, अयोध्या में भी कई, वहाँ की रिपोर्ट जब जब आई। एक बार तो हारी चुके अयोध्या पार्लियामेंट में, दोबारा फिर हारेंगे। एक बार कराया सर्वे, फिर दूसरी बार सर्वे कराया, तब भी आया कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है चुनाव, इसलिए वो चुनाव कैसे। गुंडा राज तो अब है, उस समय तो देखिए कोई भी पत्रकार बंधु, आप लोग भी हो, आपकी भी सुनवाई थी, अब आपकी भी सुनवाई नहीं है। आपका भी शोषण उत्पीड़न सब कुछ हो रहा है। 9 पे जीतेंगे, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और 9 सीटें जीतेंगे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।